सो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 11th मैथ्स, और आज हम फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। आपको बस एक आइडेंटिटी आपको ध्यान रखनी है। इसमें आपको मैं दो तरीके बताऊंगा, दोनों ही तरीके बहुत ईजी हैं। एक शॉर्टकट मेथड है और एक थोड़ी लॉन्ग मेथड है। तो नंबर के अकॉर्डिंग, सपोज आपका क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है तो आपको लॉन्ग मेथड करनी है, और मान के चलिए क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का आता है तो आप शॉर्टकट मेथड ले सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 4i। स्टेप्स ध्यान रखना है आपको, स्टेप नहीं भूलना है। सो फर्स्ट क्या रहेगा, लेट अंडर रूट 3 + 4i इज इक्वल टू x + iy। मीन्स आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। आपका पहला मोटिव यही होना है, क्योंकि x और y की वैल्यू आएगी, आप यहां पर रखोगे आपका आंसर आ जाएगा। सो नाउ यहां पे हम बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे, सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, सो 3 + 4i इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो x + iy^2। इसकी आइडेंटिटी लगा देंगे हम, सो 3 + 4i इज इक्वल टू x² + i² y² + 2xy i। ओके, a² + b² + 2ab की इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी। आई स्क्वायर की वैल्यू होती है आपकी -1। ओके, तो वो वैल्यू हम आपकी यहां पे रख देंगे। सो 3 + 4i इज इक्वल टू x² - y² + 2xy i। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा आप और आगे। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपका है रियल पार्ट और ये है आपका इमेजिनरी पार्ट। ये है आपका रियल पार्ट, ये है आपका इमेजिनरी पार्ट। तो बोथ साइड से हम कंपेयर कर लेंगे रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से हम इसका कंपैरिजन कर लेंगे। जब हम कंपैरिजन करेंगे सो x² - y² की वैल्यू क्या मिलेगी हमको, 3, और 2xy की वैल्यू हमको क्या मिलेगी इधर से, 4। ओके, तो आप और सिंपल करने के लिए आप इस टर्म का स्क्वायर कर दीजिए। सो 4x² y² इज इक्वल टू 16। ये हमने वैल्यू निकाल के रख ली है x² - y² की, और 4x² y² की वैल्यू हमने ये निकाल के रख ली। अब आपके लिए एक आइडेंटिटी ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आपके लिए एक आइडेंटिटी ध्यान रखनी है, कौन सी, वो है आपकी x² + y²^2। और इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ये होती है आपकी x² - y²^2 + 4x² y². ये हमने इसलिए निकलवाया था, आप ना भी निकालो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहां पे डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं। सो x² y² की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 3² + 4x² y², ये क्या हो जाएगा आपका 16। सो 9 + 16, सो x² + y²^2 = 25। ओके, सो x² + y² = 5। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 3। ओके, अब देखिए, अब आपके पास एक इक्वेशन है 1, ये है, इसको हम 1 दे देते हैं, ये आपका हो जाएगा 2, ये 3 और ये हो जाएगा 4 सीक्वेंस में। अब आप देखें ध्यान से थोड़ा सा, एक इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4, आपको इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और वो आपको यहां पे रख देनी है, आपके आंसर आ जाएंगे। सो इक्वेशन 3 एंड 4,
from equation 2 and 4, sorry. Okay, so equation आपका 2 क्या है? ये है आपका x square minus y square is equal to 3. और ये क्या है? x square plus y square is equal to 5. दोनों को ऐड कर देंगे. जब ऐड करेंगे तो 2x square is equal to 8. तो x square is equal to 4. So x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपके लिए? 2. वो भी कैसी? प्लस माइनस. ठीक है, तो आपके लिए किसकी वैल्यू आ गई? यहाँ पे x की वैल्यू आ गई. अब आप x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे रखते तो y की वैल्यू निकल आएगी. सो x स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 4. तो 4 प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5. सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस 4, दैट इज 1. सो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो y की वैल्यू क्या निकल आएगी? प्लस माइनस 1. ओके, क्लियर? तो हमने x और y दोनों की वैल्यू निकाल ली. अब आपके लिए क्या करना है? दोनों की वैल्यू आपको यहां पे पुट कर देनी है. ठीक है, तो देखिए यहां पे क्या है आपका? ये है आपका 3 प्लस 4 आई. तो यहां पे आंसर में क्या लिखेंगे? नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, सो अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 4 आई इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू आपकी प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2, फिर प्लस प्लस माइनस. y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. सो 1 और यहां पे आ जाएगा i. अब यहां से हम प्लस माइनस बाहर लिख लेते हैं और यहां पे क्या बचेगा? 2 प्लस i. तो ये आपका आ जाएगा आंसर. ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर. तो बहुत ही सिंपल है, बस आपको स्टेप्स ध्यान रखने हैं, उन स्टेप्स को लेके आपको आगे बढ़ना है और लास्ट में आपको x और y की वैल्यू निकाल के रख लेनी है. तो देखिए हमने कैसे किया, हम फिर से एक बार आपको रिवाइज करा दे रहे क्वेश्चन के लिए हमने क्या क्या किया इसमें. देखिए सबसे पहले तो हमें जो नंबर दिया गया है तो हम उसका क्या ले लेंगे कि 3 प्लस 4 आई इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई. यहाँ से हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड का. जब स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 3 प्लस 4 आई, और इसमें आइडेंटिटी लग के क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 2x वाई आई. अब यहां से ये है आपका रियल पार्ट, ये है आपका इमेजिनरी पार्ट. तो रियल पार्ट से रियल पार्ट कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे. ठीक है, कंपेयर करने के बाद हमारे इक्वेशन इस सेकंड क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड 2x वाई इज इक्वल टू 4. और हम इसका कर लेंगे स्क्वायर, तो 2x वाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 16. अब हमें एक आइडेंटिटी ध्यान रखनी है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू दी पावर होल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर. तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 स्क्वायर, और इसकी वैल्यू 16 है. इसको सॉल्व करेंगे तो आया 25. ओके, 25 जब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5. तो एक इक्वेशन आपका ये हो जाएगा और एक इक्वेशन आपका ये हो जाएगा. दोनों को सॉल्व करके आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के यहां पर रख देनी है तो आपका आंसर निकल आएगा. ठीक है, इसके बाद हम आपको इसकी एक और मेथड कराते हैं, शॉर्टकट मेथड. वो आप देखिए किस टाइप से आपको मेथड करनी है. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, अब हमें इसका इस अंडर रूट फाइंड करना है और हम आपको मेथड करा रहे हैं शॉर्टकट मेथड. देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है. आप कोई भी क्वेश्चन इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो मेथड आपके लिए जब आपको लॉन्ग नंबर में क्वेश्चन आएगा तभी ये मेथड आप अप्लाई नहीं कर सकते. तो देखिए कैसे आप इसको सॉल्व कर पाएंगे. तो देखिए आपको 3 को, जो फर्स्ट है, 3 को ऐसे लिखना है कि 2 नंबर के स्क्वायर के माइनस में. ठीक है, तो देखिए किसमें? 2 नंबर के स्क्वायर के माइनस से. ध्यान रखना हमने क्या बोला कि ऐसे दो नंबर का स्क्वायर जिसका डिफरेंस क्या हो? 3 हो. ठीक है, तो देखिए 3 को हम क्या लिख लेंगे? 4 माइनस 1. देखिए 4 किसका स्क्वायर होता है? 4 होता है 2 का स्क्वायर.
और वन किसके स्क्वायर होता है, वन स्क्वायर, और फोर माइनस वन क्या हो जाएगा आपका, थ्री। आपको बस यही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है इस टाइप को जब आप शॉर्टकट मेथड का यूज करें। फोर आई हम एज इट इज लिख लेंगे, बस इतना ही इसमें ट्रिक है, यही आपकी ट्रिक है, आपको यहीं से बस आपका आंसर निकल आएगा। देखिए फोर किसका स्क्वायर होता है, फोर होता है टू का स्क्वायर, ठीक है। अगेन माइनस वन किसका स्क्वायर होता है, आप कहोगे सर आई स्क्वायर, आई का स्क्वायर होता है ना माइनस वन। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी टू, बी की वैल्यू हो जाएगी आई, तो टू टू या फोर आई। आपका ये जो ऊपर लिखा है वो पूरा आपका एडजस्ट हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी टू प्लस आई टू दी पावर होल स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर सीधा क्या निकल आएगा, आंसर हमारे पास सीधा सीधा आ जाएगा प्लस माइनस टू प्लस आई। आप ये मेथड भी ले सकते हैं, आपकी शॉर्टकट मेथड है, ठीक है ना। तो हमने क्या किया कि जो फर्स्ट स्टेप है थ्री, तो आपको थ्री को ऐसे दो नंबर के माइनस में लिखना है जो दो के आपके स्क्वायर हो। तो फोर माइनस वन, तो फोर माइनस वन मीन्स फोर किसका स्क्वायर होता है टू का, और वन होता है वन का, तो फोर माइनस वन इज थ्री, बस फोर को टू स्क्वायर माइनस वन को आई स्क्वायर। जब भी आप शॉर्टकट मेथड का यूज करें तो आपको यही ट्रिक लगानी है, और ये आपकी ट्रिक जो है बहुत ईजी है, और इससे आप आसानी से कोई भी जो स्क्वायर रूट है वो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं स्क्वायर रूट का, तब आप पे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड लिया हमने, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 6 आई। अब हमने इस बार जो नंबर लिया हमने वो माइनस में लिया हमने, एक प्लस में है, एक प्लस कर लिया था हमने और एक नंबर आपको माइनस कर लिया था। अब ये क्वेश्चन भी इजी है और आप उसी टाइप से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे हम इधर से कि लेट अंडर रूट 8 माइनस 6 आई इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। माइनस है तो माइनस ले लिया हमने, प्लस होता था प्लस ले लेते हैं, ओके। सो स्क्वायर है बोथ साइड, सो 8 माइनस 6 आई इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई टू दी पावर होल स्क्वायर। सो 8 माइनस 6 आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई आई, सो दैट इज माइनस वन। सो 8 माइनस 6 आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई आई। देखिए अब यहां से ये आपका इमेजिनरी पार्ट है और ये आपका रियल पार्ट है, सो कंपेयरिंग ऑफ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, सो वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 एंड द वैल्यू ऑफ 2xy दैट इज 6। इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका निकल आएगा 4x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ठीक है। ये हम निकाल के रख लिए इधर से। अब हमने क्या बताया था आपको, आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या है आपकी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर टू द पावर होल स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू द पावर होल स्क्वायर एंड प्लस 4x स्क्वायर y स्क्वायर। देखिए इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 8, तो आपका क्या बन जाएगा, ये 8 स्क्वायर प्लस ये है आपका 36, तो 64 प्लस 36 दैट इज 100 और ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू दी पावर होल स्क्वायर। बोथ साइड के स्क्वायर रूट लेंगे सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10। सो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दैट इज सेकेंड, दैट इज थर्ड एंड दैट इज फोर्थ। सो नाउ इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ, अब हम दोनों इक्वेशन को एक साथ लेंगे, इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ, ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10, दोनों को ऐड करेंगे यहां से हम
सो 2x² इज इक्वल टू 18, सो यहाँ से वैल्यू क्या निकलेगी, ये आपकी हो जाएगी x² इज इक्वल टू 9, सो x इज इक्वल टू ±3। x की वैल्यू हमने निकाल के रख ली है, अब जो भी वैल्यू निकली है x की, x² की, वो हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे या 1 में रख देंगे, इसमें रख देंगे 4 में। x की वैल्यू क्या निकली है x² की, वो है 9, तो यहां पे रखेंगे तो 9 प्लस y² इज इक्वल टू 10, सो y² इज इक्वल टू 10 माइनस 9, सो y² इज इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ±1। यहां पे क्या लिखते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन 4। सो नाउ अब हमारे पास x की वैल्यू है और हमारे पास अब y की वैल्यू भी है, तो दोनों वैल्यू को हम कहां पे रख देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, अब जब फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो देखिए यहां पे क्या है, ये है आपका 8 - 6i इज इक्वल टू x - iy, ठीक है, तो x - iy में x और y की वैल्यू रख देंगे, सो प्लस माइनस। अब x - iy, x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 3, तो 3 और -i, क्योंकि हम पहले से ही देखिए हमने क्या लिया है, yi लिया है, तो i y की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो i हो जाएगा -i, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसकी लेते हैं शॉर्टकट मेथड, ठीक है, कैसे करते हैं देखिए वो भी हम बताते, वो भी सिंपल है, अभी हमने आपको बताया था कि आप शॉर्टकट मेथड किस टाइप से यूज कर सकते हैं। ओके, सो 8 - 6i दैट इज, अब 8 को लिखना है 2² से, सो देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 1 का स्क्वायर होता है 1, और 9 - 1 = 8, बस आंसर बन गया। सो यहां पे क्या लिखेंगे, 9 - 1 और -6i, अब कुछ नहीं बचा इसमें, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, -1 किसका होता है i² सो -6i, तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, 6i एज इट इज, सो a² + b², तो यहां पे लिखेंगे a² + b² -2ab, देखिए 3 × 2 = 6i, हमारा मैनेज हो गया इक्वेशन, तो यहां पे क्या लिखेंगे सीधा कि 3 - i² स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ±3 - i, तो ये आपकी शॉर्टकट मेथड हो जाएगी। तो आप चाहे लॉन्ग मेथड से करें चाहे शॉर्ट मेथड से करें, आंसर वो ही आएगा जो आंसर उसका आ रहा है। ओके, गॉट इट, चलिए हम एक और क्वेश्चन करते हैं। सुना हमने क्वेश्चन एक और लिया थर्ड, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 4i / 3 - 4i, अगर सपोज मान के चलिए अलग अलग होते तो दोनों का अलग अलग अपन अंडर रूट निकालते शॉर्टकट मेथड से फिर सॉल्व करते, लेकिन यहाँ पे हमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो हम इसका क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। ओके, सो 3 + 4i / 3 - 4i इज इक्वल टू 3 + 4i / 3 - 4i, रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं कि जो भी हमारा नंबर होता है डिनोमिनेटर में उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, सो 3 + 4i और अपॉन अगेन 3 + 4i, देखिए ऊपर तो आपका सेम फैक्टर है तो क्या लिखेंगे सीधा 3 + 4i² ओके, अब देखिए यहाँ पे a - b a + b, सो दैट इज a² - b² सो i² की वैल्यू क्या होती है -1, तो -1 क्या हो जाएगा +3² - 9 = 4² = 16, सो 3 + 4i² और यहां से बचेगा 9 + 16, ओके, सो 9 + 16 दैट इज 25, तुम्हारा इक्वेशन क्या चल रहा है कि 3 + 4i / 3 - 4i इज इक्वल टू 3 + 4i² / 25 means 5 square, ओके,
सो नाउ अब देखिए यहां से हम बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है। सो 3 प्लस 4 आई अपॉन 3 माइनस 4 आई टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। सो यहां पे क्या लिखेंगे हम अगेन कि 3 प्लस 4 आई टू द पावर होल स्क्वायर और यहां से 5 स्क्वायर। तो देखिए ये भी स्क्वायर, सीधा क्या लिखेंगे आंसर इसका कि प्लस माइनस 3 प्लस 4 आई अपॉन 5, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, जब भी कभी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे तो आपको सीधा रेशलाइज करना है। बस ध्यान रखना है कि दोनों नंबर आपके सेम होने चाहिए। आप कोई भी क्वेश्चन का स्क्वायर रूट आप इस मेथड से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका, ओके। सुना हमने एक क्वेश्चन नंबर 4 लिया और हमें इस क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है, प्रूफ दैट स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस 8 आई एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 माइनस 8 आई इज इक्वल टू 8। एक तरीका तो ये है कि आप दोनों के अलग अलग रूट फाइंड कर लीजिए लॉन्ग मेथड से और फिर वहां पे सीधी वैल्यू रखिए, सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। या फिर इन दोनों को आप शॉर्टकट मेथड से आप कीजिए सॉल्व, ओके, और सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर डेफिनेटली आ जाएगा। तो हम शॉर्टकट मेथड ही लेते हैं। 15 तो ऐसे दो नंबर का स्क्वायर जिसका डिफरेंस 15 हो, तो देखिए 4 का स्क्वायर होता है 16 और 1 का स्क्वायर होता है 1, 16 माइनस 1 दैट इज 15, तो हम यही स्क्वायर इसमें लगाएंगे। सो 15 मींस यहां पे क्या लिखते हैं 16 माइनस 1 प्लस 8 आई। सिमिलरली यहां पे भी हम वही लिखेंगे 16 माइनस 1 माइनस 8 आई, ठीक है। माइनस 1 क्या होता है आपका, ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 8 आई, ठीक है, प्लस ये वाला, और यहां पे भी 4 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर माइनस 8 आई। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया, तो यहां पे क्या बनाएंगे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 4 टू जाए 8 आई, एडजस्ट हो गया आपकी इक्वेशन, प्लस यहां से 4 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सो 2 इंटू 4 इंटू आई, सो 4 टू जाए 8 आई, ये भी एडजस्ट हो गया आपका। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, 4 प्लस आई टू दी पावर होल स्क्वायर, ओके, प्लस 4 माइनस आई टू दी पावर होल स्क्वायर अंडर रूट। तो यहां से स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहां से स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 4 प्लस आई प्लस 4 माइनस आई, तो यहां से आई आई कैंसिल हो जाएगा, 4 और 4 क्या आ जाएगा 8, ये आपका आंसर आ गया। देखिए आपका आंसर ये रहा। तो क्वेश्चन कोई भी हो अगर आप पे स्क्वायर रूट फाइंड करते आता है तो आप कोई सा भी क्वेश्चन, किसी टाइप का भी क्वेश्चन आसानी से आंसर निकाल के उसको सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो मैथ्स में यही होता है कि अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, तो आपको कभी भी इन फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ओके। तो वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट आप जरूर करें कि आपकी वीडियो कैसा लगा, और कहीं भी आप कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ओके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।